इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बरजात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्मो श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार सूरत गुजरात, स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में, धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनेक उलझनों से, समस्याओं से भरा पड़ा है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसे इतना पुण्य लेके आवे कि उसे किसी की सहायता की जरूरत न पड़े। प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम संसार के बनाए हैं जिसमें व्यक्ति को एकाकी होने का अधिकार ही छीन लिया, क्योंकि संसारी व्यक्ति मानी है, कसाय करने में निपुण है, राग द्वेष करना इसको एक मिनट लगता है, क्षमा मांगने में टाइम लगता है, क्रोध करने में, किसी के झगड़ा हो जाए और मैं कहूँ भैया हो गई कोई बात नहीं, क्षमा मांग लो कर ले रहे, तो उन्होंने कहा महाराज जी सोचने दो, घर में पूछने दो, सलाह करने दो कि क्षमा मांगू या को। देखो महाराज जी, हम सब परिवार वाले जो काम करते हैं वो सब पूछ के सलाह करके करते हैं। अच्छा मनी, बहुत अच्छी बात है। एक बार और बता दो मुझे, क्रोध के लिए कितना समय मांगा था? मैं क्रोध कर रहा हूँ, सबसे पूछ लूँ, सलाह कर लूँ, बस यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है दुनिया का। पाप तो बिना पूछे करता है, कसाय तो बिना पूछे करता है, और धर्म करने के लिए आता है तो पूछता है, विचार करता है, सोचने दो महाराज क्षमा मांगू के नहीं मांगू। इतना यदि क्रोध के लिए सोच लेता, मैं सोचूंगा क्रोध करूं या, यदि इतना समय दे देता तो क्रोध गायब। व्यक्ति जुआड़ी होते ना, जुआड़ी जो संसार के कार्य करता है, किसी से नहीं पूछता, लेकिन जब दान की बात आएगी तो घर में सलाह कर लो, और जुआ खेलने की बात आएगी तो, सट्टा लगाने की बात आई तो। इसी ललितपुर के अंदर ऐसे परिवार लोग मेरे पास आए जिनके करोड़ों का कर्जा हो गया, बर्बाद हो गए। बोले भैया क्यों हो गए?
बोलो महाराज बेटे ने सब दाव पे लगा दिया। तो बहने के बेटा तुम्हारा पूछा नहीं? बोले नहीं पूछा। उसी बेटे को कुछ यहीं की चर्चा है, करोड़ों रुपया दाव पे लगा दिया, पाप में बहा दिया, जुआ खेल लिया, सट्टा मटका आदि खेल लिया, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। जब कर्जा करके लेने वाले आए तब पिता को पता चला कि इतना कर्जा हो गया। बात आई और गई। मैंने सोचा कि इस बच्चे ने, अच्छा परिवार था, भगत परिवार था, मैंने इस परिवार को बचाना है। अब बेटा ने गलती कर दी है तो कर दी, लेकिन परिवार अच्छा है, अच्छी एकाद शांति धारा कराऊंगा। हमारे पास तो यही है और है क्या, आशीर्वाद दे दूंगा, थोड़ी भावना करूंगा कि इसका अच्छा हो जाए। मैंने कि इसका अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं शगुन बहुत ज़्यादा उठाता हूँ। किसी भी कार्य करने के पहले शगुन उठाता हूँ, और शगुन यदि आ गया तो हमारी पूरा कार्य सफल ही होता है। कल ये लोग मेरे से कुछ कहलवाना चाहते थे, मैंने कि मेरा शगुन हो गया तो कल कहूँगा, नहीं तो मैं कहूँगा ही नहीं। तो मैंने बालक से कहा एक दिन, मैंने कि बेटा ऐसा करो, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में इतना दान हो रहा है, भगवान बैठ रहे, मूर्तियाँ बैठ रही हैं, तो तू एकाध दान देने का संकल्प कर ले, दान देने का संकल्प कर ले। मेरे मन में भाव आया कि यदि ये एकदम हाँ कह देगा बिना विचारे, मेरा शगुन क्या था, कुछ भी नहीं सोचे, कोई विचार नहीं करे, एक सेकंड भी नहीं लगाए। जैसे वो एकलव्य को कहा ना द्रोणाचार्य अंगूठा दे दे, तो कितनी देर लगाई थी उसने। मगर यदि इसने तुरंत कह दिया तो इसका नियम से उद्धार हो जाएगा, इस जीव का अभी पुण्य है, और इसको फिर मैं आशीर्वाद दूंगा कि इसका सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, उसने तुरने का महाराज जी थोड़ा समय दे दो, हम घर में सलाह कर लें, आपको मालूम है हमारे पापा मम्मी भी हैं और एक भाई भी है, हम सब बैठ के सलाह कर रहे हैं, बस हमें तो शगुन उठाना था। मैंने कहा भैया ठीक है कर लेना। फिर मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने कहा इसको मेरा आशीर्वाद फलेगा नहीं, इसके कर्म विपरीत हैं, इसका कर्म बहुत अभिशप्त आत्मा है। मैंने कहा बेटा यदि जो आज तुम मेरे से कह रहे हो, जिस ढंग से तुमने पैसे को बर्बाद किया है, काश ये अकल उस समय आ जाती तो कि मैं घर में सलाह करूंगा, जुआ खेलूं या नहीं खेलूं, इस पाप में मैं हाथ डालूं या डालूं, ये सब बात उस समय तुम कह देते, आज तुम्हें ये नौबत नहीं आती। आज तुम धर्म कार्य के लिए कह रहे हो, जाओ बेटा काम करो। हो गया काम, बस महानुभाव ये तो मार तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, तुम लोगों के सबके अंदर ये वीक पॉइंट है। कर्म क्षेत्र में, पाप क्षेत्र में एक मिनट नहीं मौका देता, एक मिनट। जिस समय पाप करने का भाव आया उसी समय करने की आकुलता
हो जाते, प्रेजेंट पोजीशन कुछ नहीं, एक मिनट की भी गुंजाइश नहीं, एक मिनट का भी सोच नहीं है। एक मिनट तो थोड़ा रुको, सोचो तो सही क्या कर रहे हो, सोचो तो सही इसका फल क्या होगा। महाराज मौका ही नहीं, मौका ही नहीं, पता ही नहीं कब हो जाता तुरंत। और धर्म कार्य के लिए सब लोग सोचना, धर्म कार्यों में कितना सोच कितना विचार, वहां करोड़ों पर नहीं सोचा और यहां लाखों पे सोच रहा। मैंने तो शगुन उठाया था, मैं उसको कुछ करने वाला नहीं था, मैं तो उसकी अंतर चेतना देख रहा था कि कुछ पुण्य बचा है कि नहीं बचा। बंधुओं सब लोगों को इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि जो कार्य हमारे जीवन के अहितकारी हैं, जिनसे हमारा कुछ हित होने वाला नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई सोचने को समय भी नहीं, समय भी नहीं। यदि पाप कार्यों के लिए हम थोड़ा समय दे दें, जब भी पाप कार्य का भाव आवे, जब भी कसाय करने का भाव आवे, और तुम हम पाप का त्याग नहीं करा रहे, सुनो सब, क्योंकि तुम करोगे नहीं इसलिए कराऊंगा नहीं, अपना वचन खाली क्यों जाए। तुम कसाएं त्याग करोगे नहीं, हम कराएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम करोगे नहीं, और कर भी दोगे तो नियम तोड़ोगे पक्का है। इसलिए क्यों नहीं, बस इतना जरूर कहता हूं कि जो भी तुम पाप करो, जो भी कसाय करो, उसको थोड़ा समय दे देना। अभी करने का भाव आया, एक घंटे बाद करूंगा, गुस्सा आया तो आएगा, बस एक नियम ले लो, गुस्सा आएगा एक घंटे बाद गुस्सा करूंगा। है आत्महत्या करने वाला एक सेकंड का काम है, एक सेकंड का काम है, एक सेकंड। जिस समय वो हत्या करने जा रहा है ना ट्रेन पे, सेल्फ हाथ लिए, पर उस समय कोई टोक दे, ए क्या कर रहा है, रो पड़ेगा, रो पड़ेगा, ऐसा रोएगा कि कुछ पूछो मत, चल गया। बस वो एक सेकंड का काम है, सेल्फ हाथ खाते समय एक सेकंड का काम है। उसको कल्पना नहीं आ रही है कि मैं खा तो रहा हूं लेकिन इसकी वेदना सहन हो गया, बस वो खा लेता है। उस समय कोई टोक दे, उस समय कोई कहे अरे क्या कर रहा है, अलप कटे हजार वर्ष की आयु होती है, ऐसा तुम्हारे बुंदेलखंड की कहावत है, अलप कटे समय टाल दो बस, और वो समय कट गया, कट गया। एक पिता का बेटा बहुत क्रोधी था, तो वो मरने लगा तो बेटे से कहा, बेटा बेटा देखो आप मेरे गुस्सा मत त्याग कराना। बोले नहीं बेटा, गुस्सा कैसे त्याग कराऊं, तू त्याग ही नहीं सकता, बस एक नियम ले ले, जब भी गुस्सा आए तो तू मुंह से गाली एक घंटे बाद देना। वो गुस्सा आते ही बकता था, गालियां बकता था। बोले वो तो गाली का मना नहीं कर रहा हूं बेटा, बस जब भी तुझे गुस्सा आए तो एक घंटे बाद गाली देना। बेटा सीधा साधा था, उसने कहा पापा ये कौन सी बड़ी बात, एक घंटे बाद निपटा दूंगा। पिताजी खुश होकर मरण को प्राप्त हो गए। जब भी उसको गुस्सा आए क्या नियम है, एक घंटे बाद मुझे गाली गुस्सा करना है। वो पूरी जिंदगी में गाली नहीं दे पाया, क्योंकि एक घंटे तक सामने वाला रहेगा कि नहीं, एक घंटा तो बहुत होता है। पाप कार्यों के लिए हमेशा टालो टालो, जब भी अशुभ परिणाम हो टालो। पाप कार्य को जितना टालोगे, पाप की उम्र ज्यादा नहीं होती,
पाप भावों के परिणाम ज्यादा नहीं होते, बस एक बार थोड़ा टाल दो एकदम शांति हो जाती है। पाप उत्तेजना है, पाप उबाल है, दूध उबलता है ना, एक उबाल है, उबाल में दो छांटे पानी के दे दो तो बैठा थोड़ा सा, कुछ नहीं बंधु, जितने अपने मन में बुरे भाव आते हैं ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये उबाल है, एकदम निमित्त आता है और हम उबल पड़ते हैं, ना आगे देखते हैं और ना पीछे देखते हैं, ये भी परिणाम नहीं है, किसका हस्त क्या हो। तो नीति कही गई पाप कार्यों के लिए, आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है अभी तो जीना बरसों। जल्दी क्यों कर रहा है भाई, कल कर लेना गुस्सा, अभी मर रहा है क्या कल। जब पाप के भाव हो ना तो धीरे से मन से कहा करो, अरे भाई जल्दी क्या पड़ी है, कोई मर रहा है क्या, कल कर लेना, परसों कर लेना, आज की बात कल पे टाल दो, आज के भाव बुरे भाव पाप के भाव कल पे टाल दो, देखो क्या चमत्कार होता है। और कल आ जाए तो परसों पे टाल दो, आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है अभी तो जीना। हाँ, पाप करने के लिए खूब लंबी उम्र बना ले, मेरी तो उम्र अभी बहुत बड़ी है, कभी भी कर लूंगा, और अच्छे कार्य का समय कम होता है, समझना, बुरे कार्य का भाव जल्दी आता है, मोटिवेशन लेना, बुरे भाव का भाव, क्रोध का भाव जल्दी आता है, कोई भी बुरा भाव हो सब में लगा जल्दी आता है, और धर्म का भाव देरी से आता है, बहुत देरी लगती है, बहुत टाइम लगता है, अच्छे भाव आते ही नहीं, तुम्हें आएगा भी तो परिवार वाले ने देख क्षमा मत मांगना, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब हो गया तो कोई करने नहीं देगा, तेरा मन भी नहीं करेगा, करने नहीं देंगे। और उसी के लिए नीति बनाई है कि अच्छे कार्यों के लिए समय नहीं देना, निर्णय करो ये अच्छा कार्य है कि नहीं, यदि है तो समय मत देना। एक बार धर्मराज सुबह सुबह ठंड के समय पर दूध पी रहे थे, अब धर्मराज थे राजा थे, सोने का कटोरा था, धूप में बैठे हुए थे, उसी समय एक याचक आया, तो धर्मराज का भाव हुआ कि इसको ये सोने का कटोरा दे दूं, इसको दूध पी करके, बाएं हाथ से कटोरा पी रहे थे, छुल्लक जी भोजन करते हैं कटोरा के साथ में लेते हैं, दाएं से तो खाना है, तो उन्होंने तुरंत दूध पिया और याचक को दे दिया। भीम बोले भाई भैया आप तो धर्मात्मा जीव हैं, नीति निपुण दीन हैं, दान कभी बाएं हाथ से नहीं दिया जाता, और आपने बाएं हाथ से दान दिया, ये नीति विरुद्ध है, ऐसा क्यों किया आपने। बोले भीम तेरी बुद्धि बहुत मोटी है, पहलवान तो था ही, मैंने इसलिए दिया, मैंने भी सोचा था कि मुझे दान बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, तो फिर क्यों दिया भैया, मैंने सोचा कि कम यदि मैंने इसको दाएं हाथ में लिया जब तक भाव बदल गया तो, कह रहे सोने का कटोरा भिखारी को दिया जाता है रोटी दे दो, इतनी देर में भाव बदल गया तो मैंने सोचा कि भाव आया है दे दो, तुरंत दे दो, विचार करने पर बदल जाएगा भाव। अब बोलो इस हाथ से इस हाथ में लेने में कितनी देर लगना थी, लेकिन भाव बदल सकता है कि नहीं, इसलिए कहा
इस हाथ दीजिए, जिस हाथ में है उसी से दे दो, परिणाम बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि अच्छे परिणाम मुश्किल से होते हैं और उनकी उम्र कम होती है, बुरे परिणामों की उम्र ज्यादा होती है। कसाई की उम्र कितनी है, जीवन भर भी चल सकती है कि नहीं? और क्षमा की उम्र, कहो अभी क्षमा मांगे कल लड़ बैठे, हाँ क्षमा मांगते मांगते लड़ बैठे। वो क्षमा मांगने गया था, उसने कहा आ गया क्षमा, हमने क्या समझा मैं कायर हूँ, तो महाराज के कहने पे आ गया, अब देखता हूँ। अब लोग क्षमा की उम्र बहुत छोटी है और बैर भाव की उम्र बहुत बड़ी है, दोनों समझना। बुरे भाव आते जल्दी हैं लेकिन जाते जल्दी नहीं है, जाएंगे ही नहीं, और अच्छे भाव आते मुश्किल से हैं और जाते बहुत जल्दी चल, उनकी उम्र बहुत छोटी होती है, माचिस की काड़ी के समान इनकी उम्र होती है, बहुत जल्दी उधर थोड़ी देर के लिए आते हैं, हाँ नहीं नहीं मेरा सुख, कोई अच्छा भाव आ जाए तो हम कहते भाई ऐसा करना, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। अभी नहीं हो पाएगा, अरे भाई मंदिर बन रहा है देख तो। अब महाराज वो चुप हो गया, मैं समझा बोलने वाला है, अरे नहीं नहीं महाराज थोड़ी अभी 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 आज थोड़ा अच्छा नहीं चला, अरे मैंने कहते तो सब कबाड़ा कर दिया, सब कबाड़ा कर दिया, तुरंत एक क्षण में अच्छा भाव आए कर डालो, कर डालो, कुछ नहीं कुछ नहीं। महाराज कोई भावावेश में ज्यादा हो गया तो पाप करते समय नहीं सोचा कि ज्यादा हो गया तो, ज्यादा गुस्सा कर लिया तो थाने जाना पड़ेगा, ज्यादा गुस्सा कर लिया तो केस चल सकता है, विचार भी आया कि नहीं? नहीं आया। इसलिए नीति बनाई धर्म कार्यों में, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो बहुरी करेगो कब। दोनों की नीतियां हैं, बुरे कार्यों के लिए उम्र लंबी कर लो, जल्दी क्यों करता है, अभी तो बरसों जीना है, और अच्छे कार्यों के लिए कहो कल का क्या भरोसा, कल का क्या भरोसा, कुछ भरोसा नहीं। अभी गोष्ठी में एक डॉक्टर साहब आए थे, बिशप प्रसाद जी, इतनी बढ़िया गोष्ठी हुई, इतनी बढ़िया प्लानिंग बनाई, कल अपन महाराज जी ऐसा करना है, ऐसा करना है, आदि पुराण का इंग्लिश अनुवाद करना है, और महाराज जी बहुत जल्दी कर लूँगा, दो तीन साल तो लग ही जाएंगे, और बढ़िया महाराज जी संस्थान को अपन को यूनिवर्सिटी बनाना है, हमारी आपके लिए हमारा जहाँ उपयोग हो वहाँ उपयोग कर लेना, जहाँ। और कल पता चला रात में चले गए, सामान 100 बरस का पलकी, कौन जानता कितनी बड़ी प्लानिंग बनाई, गोष्ठी में लेख पढ़ के गए, प्लानिंग बना के गए, गोष्ठी में सारी प्लानिंग बनाई, लो यहां से पहुंचे, रात में अटैक आया चले गए। इसलिए महानुभाव अच्छे कार्य करने के लिए उम्र बहुत छोटी कर लो, छोटी कर लो। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने हम लोगों के लिए कहा है कि तुम अपने परिणाम कैसे संभालो, परिणाम संभलते रहे, तुमने कहा ये संभालो कि यमराज चोटी पकड़ के खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है, चोटी उसने पकड़ ली है बस, और जब मौत सामने होती है तो फिर बुरे परिणाम नहीं होते। जिंदगी को छोटी कर दो, इतनी छोटी कर दो, इतनी छोटी कर दो कि ये कटोरा इस हाथ में ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, कुछ नहीं, जो आज हम कर लेंगे वही सही है,
कल का कुछ भी नहीं कह सकते। किसको जोड़ के रख जाओगे? भूत कपूत तो काधन संचय, भूत सपूत तो काधन संचय। कपूत है तो तुम्हारा तेरमा नहीं हो पाएगा, और सपूत है तो तुम्हारे धन को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। कई लोग पिताजी कहते, महाराज जी मेरे बेटे हैं उनको मकान बना रहा हूं। मैंने कहा, पिताजी ऐसे निकम्बे भाग्यहीन कर्म फूटे बेटे पैदा किए? महाराज जी आप जब बोलते जब उल्टे ही बोलते हो, आपने कैसे जाना? अब महाराज जी आपने ऐसा हमारे बेटे को क्यों बोला? कर्महीन पुण्यहीन निकम्मा, मन के दो चार शब्द मिले नहीं इसलिए नहीं बोले हमने। तो महाराज जी आपको क्यों कहा आपने बताओ? मन के आपने बताया मुझे तो। बोले मैंने बताया महाराज, मेरा तो लाडला बेटा है, लाडला, उसी के लिए मकान बना रहा हूँ, दुकान की अभी नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, सब उसके लिए कर रहा हूँ, उसको बंगला बना रहा हूँ, और आप मेरी दृष्टि में तो प्यारा है। मन की बस यही तो है कि तुम बेटे के लिए बंगला बना रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा बोल रही है ये भाग्यहीन है, ये जिंदगी में बना नहीं पाएगा, इसलिए बना के दे दो। ये कुछ कर नहीं पाएगा, निकम्मा है, इसलिए दे दो। जब जब तुम्हें अपने बेटे को कुछ करने का भाव आवे तो तुम्हारी अंतर चेतना, भली तुम पकड़ो या ना पकड़ो, अंतर चेतना कह रही है मेरा तो पुण्य है, पता नहीं छोरे का भाग है कि नहीं, इसको एक बंगला बना के दे दो, एक गाड़ी बना के दे दो। आत्मा ने कह दिया, गवाह दे दिया, कोई जरूर नहीं बोलना जरूरी है। जब जब तुम्हें बेटे को कुछ करने का भाव आवे, समझ लेना तुम्हारी अंतर चेतना हो गई कि बेटे को कुछ कर दो, नहीं तो ये भाग्यहीन है, नहीं कर पाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है, ये जिंदगी में मकान नहीं बना पाएगा, बना दो अभी, मेरा पुण्य है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और यदि आपका ये परिणाम हो जाए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बेटे का भाग कितना है, तो आप बेटे से कहना, बेटा एक फैंसी ड्रेस कर लेना, बेटा ये मकान तो गिरवी चला गया कर्जा में, अब मेरा भाव है कि तेरे मकान में मेरा मरण हो। जिस मकान में तूने जन्म लिया था वो तो साल छह महीने में खाली कराना पड़ेगा। बेटा जब बड़ा हो जाए तब कहना, बेटा कुछ नहीं, ये मकान तो गया, इसमें तेरा जन्म हुआ था, पापा ये मकान चला गया, मैं तो सोच रहा था कि पापा का इतना बड़ा मकान मुझे मिलेगा, नहीं बेटा वो तो गया। अब बस एक ही आशा है कि मैं फुटपाथ पे मरूंगा, किराए के मकान में मरूंगा, बस एक ही आशा है बेटा मेरा मरण तेरे बनाए हुए मकान में मरे। बस या तो मैं अपने मकान में बनता या फिर बेटे के मकान में मरूं, मेरा ये भाव है। और नहीं तो फिर कहीं फुटपाथ पे मर ही जाऊंगा, फैंसी ड्रेस मेरे से सीख लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा पापा मैं कैसे बनाऊंगा, नहीं नहीं कोई बात बेटा कहीं भी मर जाऊंगा, मरने के लिए तो क्या है, जन्मने के लिए तुझे आंगन चाहिए था, गोदी चाहिए था, जन्म के लिए तुझे मकान था, सब कुछ था, मेरे मरने का तो क्या कहीं लुढ़कना तो है, कहीं मजे, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। वो तो एक भावना थी कि बेटे ने जन्म मेरे मकान में लिया है, मेरे बनाए में, तो अब मेरा मरण बेटे के मकान में हो गए, ऐसी भावना रखी है मैंने, और कुछ ज्यादा कोई बात नहीं है, घबराना तो बेटा। बेटा कहे, पापा क्या बात करते हो, जब मेरे जन्म के लिए आपका मकान था
तो मैं कोई भाग्य ही नहीं हूं, भाग्यवान पिता का बेटा हूं, आपका बेटा हूं। और वो चरण छूके कहे, पापा मैं चरण छूके सौगंध करता हूं, आपका मरण मेरे मकान में होगा। और मेरा मकान नहीं बनाऊंगा मैं, और मकान आपके नाम होगा, आप खुद के मकान में जब मरोगे। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, कुछ नहीं चाहिए, आपका मकान में मरण होगा, मैं बनाऊंगा मकान। आप कैसी बात कर रहे, आपका बेटा को इतना भाग्यहीन है क्या? बस अब तुम निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत हो जाना, तुम्हारा बेटा कभी भी जिंदगी में तुम्हारे मकान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चिंत हो जाना, इस बेटे की जिंदगी में कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। बस निश्चिंत हो जाना, उसको मकान बनाने देना, बीच में मत बोलना नहीं तुम जल्दी सारा कर दो। अच्छा बेटा ठीक है, देखता हूँ, उसको मेहनत करने दो, बनाने दो मकान। और जैसे ही मकान का नागल हो, बेटा ये पकड़ इस मकान की चाबी, तेरे दो मकान, एक बाप का भी तेरा और तेरा भी तेरा। पापा आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया? बोले बेटा मेरे गुरु जी है ना, वो बहुत अलग खोपड़ी वाले हैं। अब मैं निश्चिंत होकर मर सकूंगा कि मेरे बेटे को किसी की सहायता की जरूरत, और तू भाग्यवान है, मैं नहीं कर पाया वो तूने कर लिया, और जो मैं कर पाया वो तूने कर लिया। अब ये सब तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, लेकिन बाद में बताना। बाबू अब क्या करूंगा, तुम्हारे मकान से तो अच्छा मेरा बन गया, तो फिर कोई बात नहीं बेटा, नई बस्ती में मंदिर बन रहा है, अब वहीं पर दे दो पापा, अब हमें तो अब जरूरत। ये पिता के लिए कहा, बेटों के लिए कहा, कभी बाप की संपत्ति पर नियत खराब मत करना। हमेशा कह सको हिम्मत करके तो पिताजी से दो बातें जरूर कहना। एक बात वो कहना, पिताजी आपने जिंदगी में जो कमाया है पाप करके कमाया, मेहनत करके कमाया, सांची झूठी बोल के कमाया, क्योंकि पैसा आकाश से नहीं आता है, मेहनत से भी आता है, सांची झूठी बोलना भी, आराम परिग्रह सब करना पड़े। इतने पाप आपने किए, किसके लिए पापा, किस लिए ये सब किए? बेटा सब तेरे लिए किए, तेरे लिए किए। सुनो रे बेटो, पिता ने पाप तेरे लिए किया, पाप की गठरी तेरे लिए बांधी, इतना आराम परिग्रह तेरे लिए किया नहीं। यदि मेरे पिताजी हैं, पिताजी आपने जिस ढंग से पाप किया है, इस पाप को धो लो, नहा लो, जितना तुमने पाप किया है उतना तुम अपनी सारी संपत्ति दान में दे करके पुण्य कमा के जाओ। मैं तुम्हें दुर्गति नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे पिता हो। इतना आराम परिग्रह करके, इतना आराम परिग्रह करके दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। मेरे कारण मेरे पिताजी की दुर्गति हो नहीं, पिताजी आपकी सदगति होना चाहिए। इसलिए आप अपने हाथ से दान दे के जाओ,
मेरी तरफ मत देखो, मैं बहुत कमा लूंगा, मेरे पुण्य बहुत है, आपसे भी अच्छा कमा लूंगा। आप खुद दान दे के जाओ जिससे हम कह सकें मेरा पिता दान दे के गया है, नियम से स्वर्ग ही गया है। क्या दावा करोगे तुम्हारा बाप मर के स्वर्ग गया है? पापी पाप तो करता रहा जिंदगी भर, जिंदगी भर आराम परिग्रह तो करता रहा, पुण्य तो कभी करने का मौका ही, कभी उसने अपने लिए किया और कभी बच्चों के लिए किया। और तुम ज्यादातर पाप अपने लिए नहीं करते हो, क्या भाव आता है? बच्चों के काम है। बेटा पिता बनते ही माँ पिता अपने लिए जिंदगी छोड़ देते हैं, अब किसके लिए जीते हैं? बेटे, हर चीज में बेटा आएगा, मकान बनाए, धंधा करे, कुछ भी चीज, यहां तक कि माँ भोजन भी बनाएगी तो किसका ध्यान रखेगी? वो तो बचेगा तो खा लेगी। माताएं जब भोजन बनाती हैं, बेटा होने के बाद एक माँ का, नारी का एक गुण बताऊं? बुराई तो बहुत बार कर लेते हैं अपन, कभी कभी इनकी प्रशंसा भी किया कर। जब ये शादी होती है ना रसोई घर में, बोलो तुम विवाह में पूछूंगा, नारी भोजन बनाना है, एक सब्जी है लाना है बनाना है, पति की पसंद की बनाएगी सब्जी के स्वयं की पसंद, दोनों की पसंद अलग अलग है और सब्जी एक बनना है, टाइम भी एक का है, तवेली भी एक ही। बताओ माताओ किसकी पसंद की सब्जी बनेगी? आप बोलो, महिला बोलो, झूठ मत बोलना। 90% नारी, अब पुरुष आप बता दो, आप अपनी अपनी पत्नियों की बता दो, यदि भोजनशाला में सब्जी एक बनना है तो तुम्हारी पत्नी किसके पसंद की बनाएगी? तुम अपनी अपनी पत्नियों की बताओ, वो अपने पसंद की बनाएगी कि तुम्हारे पसंद की? जोर से बोलो, कहीं डर रहे हैं गड़बड़ नहीं हो जाए। लाइव चल रहा है तो लाइव में वही सुन रहे हैं जो तो यहां बैठे हैं, लाइव में कौन कुंवारे बाल ब्रह्मचारी सुन रहे हैं? लाइव में भी तो गृहस्थी सुन रहे हैं ना, बेबी सुने। सब अपनी अपनी पत्नियों की परीक्षा कर लो, एक सब्जी बनना है और कोई भी एक बनेगी, और एक पसंद पति को है, एक पसंद उसकी है। मेरा जो विश्वास है, जो मैं शास्त्रों में पढ़ा है, नारी अपनी पसंद गौण करेगी, पति की पसंद की सब्जी बनाएगी, भली मन मार के खा लेगी, उसी में काम चला लेगी। बोलो, ये मेरा, मैं देखो गृहस्थी का अनुभव मुझे नहीं है, सीधी बात, मैं चक्कर में पड़ा ही नहीं हूं। हम तो, अपन तो वो आदमी है, अपन तो श्रावक की पसंद जो है वही मेरी पसंद है, हमारी पसंद नहीं। हमने अपनी पसंद खत्म ही कर दी, झगड़ा डंडा कौन करे? तो अपने तो मन बना लिया है, जिनमानी माँ ने हमें ऐसा संस्कार दे दिया है कि तुम अपनी पसंद की कोई चीज नहीं खाना, और पसंद की आए तो अलग और करवा देना, तुम वही भोजन करना जो श्रावक की पसंद से बना है। अच्छा बताओ, यदि कोई दावा करे कि मैंने कभी किसी श्रावक से अपने पसंद का भोजन बनवाया हो तो बोलोगा? आज ये चीज तो बनना ही चाहिए, मौसम कैसा है? नहीं, मैंने तो जीवन का त्याग कर दिया, कभी मैं अपनी पसंद की चीज मन से कभी भावना भी, जो श्रावक की पसंद होगी उसी में मैं एडजस्ट होऊंगा, ये मेरा। अब तुम्हारी बोल दो, पुरुष जाति को तुम बोलो, क्या तुम पत्नी की पसंद में एडजस्ट होगे? मनोज बाबू,
हो गए पुरुष हो तुम, संभावना कम है। कोशिश कर लोगे वो भी दस सुना करके, दस आए ये कोई चीज है क्या, ये चीज है वो, अब लेकिन अब क्या करें, खाना तो है ही, अंदर से एक्सेप्ट करो कोई बात नहीं, पत्नी की पसंद की चीज है, नहीं तुम अपनी पसंद की बना लो, मैं उसमें एडजस्ट करूंगा। पुरुष ज्यादा एडजस्ट करेगा कि स्त्री ज्यादा एडजस्ट करेगी, सब बोलो एक गवाह, झूठ मत बोलना, नारी एडजस्ट करेगी। नारी से तुम कहोगे भी नहीं देखो तुम्हें ये पसंद नहीं, नहीं नहीं अब ये ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, पुरुष कुड़कुड़ाएगा मन मार और वो अवभाग्य मान के करेगी, सौभाग्य मान के करेगी, उसकी एक ही बात है, कोई बात नहीं इनकी पसंद की सब्जी बनना चाहिए, मैं तो क्या जो है सो। ये हुई पत्नियों की बात, बोलो पत्नियों में एक गुण है कि नहीं है, हाँ आज तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब आ जाओ माँ के ऊपर, माँ को कुछ और पसंद है, बेटे को कुछ और पसंद है, बोलो माता और एक सब्जी बनना है, किसकी पसंद की बनाओगे? इसमें तो 99% कह रहा हूं माँ और बेटे की पसंद को नकार दे, अरे राम राम राम, लाख उपाय करे कितना भी मन को मारेगी, बेटे की पसंद की बनाएगी। ये भारतीय नारी का स्वभाव है, स्वभाव वो तो सब तुम्हारे लिए जीती है, बच्चों के लिए जीते हैं माता पिता, तो अब बेटों को क्या करना है? नहीं पापा आप मेरे लिए नहीं करेंगे, आपने जो कुछ किया है मैं तुम्हें सदगति दिलाऊंगा, इसलिए आप, मैं भी उन्हीं गुरु का चेला हूं जिनके आप हैं, उन्होंने हमें कहा है माँ बाप की संपत्ति पर कभी नियत खराब, और हर व्यक्ति एक ही निर्णय करे कि हे भगवान मेरे ऐसे दिन कभी नहीं आए जिसे मुझे माँ बाप की संपत्ति पर जिंदगी व्यतीत करना पड़े, कभी माँ बाप से मांगना पड़े, तीन वरदान मांगना, कभी कोई वरदान देवे तो एक बार हे भगवान मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका न आवे जैसे मुझे भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़े। किसके सामने? बस एक पुण्य अपनी जिंदगी में रखना, बस हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भी भगवान के दरवाजे जाऊं यूं न जाऊं, अर्घ्य लेके यूं जाऊं और यूं चढ़ाऊं, बस एक वरदान मांग लो, भगवान के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा बुरा दिन ना आ जाए, बस भगवान एक वरदान दे दे, तेरे सामने मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, जब भी तेरे दरवाजे आए लेने के लिए नहीं, बोलो ना, बस तेरे दरवाजे, ऐसा बुरा दिन आ जाए कि मैं तेरे दरवाजे लेने के लिए आऊं, नहीं नहीं तेरे से लूं मैं, कल कहा था ना कभी मंदिर से धर्म से कमाई करने का भाव मत करना, कि मंदिर की दुकान है सस्ते में मिल रही है, हैं नहीं हाथ ठेला लगा लो, कभी मंदिर को तुम्हारी जरूरत पड़ी है, कभी माल तुम्हारी दुकान से मंदिर को आ रहा है, नियम ले लो कि भगवान तुझसे नहीं कमाऊंगा, एक नियम ले लो, सब लोग जिसके पास जो भी धंधा है, कपड़े का, किराने का, लोहे का, सीमेंट का, बस एक ही नियम है, मैं कभी मंदिर के लिए धर्म कार्य के लिए सामान मेरी दुकान से जाएगा उससे मैं कमाऊंगा नहीं, बल्कि बल्कि कुछ कम करके ही दूंगा, कुछ मेरा भी सहयोग,
किसी ने कहा मैं मंदिर के एक करोड़ चावल ले जा रहा हूं। कितने रुपया है? 40 रुपया। भाई आप मंदिर के लिए ले जा रहे हो, विधान के लिए? तो 40 रुपया का है, मैं अपनी प्रॉफिट तो छोड़ते ही हूँ, 5 रुपया मेरी तरफ से कम, मैं मंदिर जा नहीं पा रहा हूँ, मैं विधान कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम, और तुम विधान के लिए ले जा रहे हो। तो 40 रुपया किलो में लागत मूल्य, तो प्रॉफिट तो छोड़ ही देना, वो तो टैग टू ऑर्डर, टैग टू ऑर्डर है, ये तो नियम आज लेना ही है। कहीं भी संसार में मंदिर धर्म के नाम पर कभी प्रॉफिट नहीं लेना, नहीं लेना। मान बाबा मंदिर के कार्य से अपन को 1 रुपया नहीं कमाना, नहीं कमाना। जो लागत मूल है ईमानदारी से उसी पर देना, और अवभाग्य मान के देना, दुर्भाग्य मान के नहीं। क्या मान के देना? मेरे भाग्य है कि आज मेरी दुकान से लोहे का सरिया मंदिर बनाने के लिए गया, आज मेरी दुकान से विधान की पूजन की सामग्री गई, आज मेरी दुकान से फलानी वस्तु गई, आज बस अवभाग्य मानना। आज मेरी दुकान से चांदी गई, आज छत्र के लिए कोई चांदी ले गया, आज भगवान के लिए छत्र बनाने के सोना ले गया, प्रॉफिट बंद और अवभाग्य मान के देना, ये तो टैग टू ऑर्डर है। हर मेरे भक्त के लिए ऑर्डर है, ये तो स्वप्न में सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। देखो सिद्धि का दरवाजा खोल रहा हूं, मंदिर को तुम्हारे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रॉफिट मिले भी लोग तो मंदिर का 1 रुपया लगा, 1.25 लग जाएगा, क्या फर्क है, यहां कोई फर्क, लेकिन तुम्हारी सिद्धि तुम गर्दन उठा करके कह सकोगे कि भगवान आपसे नहीं कमाऊंगा, और कमा लिया तो भगवान से आंख नहीं मिला पाओगे, किस भाव से मिलाओगे। इसलिए पहले तो एक ही निर्णय करना, जो तुम्हारी पास चीज है यदि धर्म कार्य के लिए जा रही है, नियम कर लो, बच्चों को नियम दे दो, नौकर को नियम दे दो, मंदिर के नाम की कमाई नहीं होगी। दूसरी बात तुम विधान कर पाओगे? तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो भैया और मेरे मंदिर में दान देने का, इतना बड़ा मंदिर में बना नहीं सकता हूं, मेरी शक्ति भी नहीं है और भाव भी नहीं है। ऐसा करो, ये 2 सरिया और मेरी तरफ से ले जाओ मंदिर के लिए। आपने 10 क्विंटल खरीदा है, 25 किलो लोहा हमारी तरफ से ले जाओ, ले जाओ, उसमें शामिल हो जाओ। कमाने की बात तो दूर रही, बल्कि उसमें अपने आप को, उससे कहा भैया तू 40 रुपया किलो कमाएगा, भैया तू 35 रुपये का कमा लेना, अपन 5 रुपया मेरी तरफ से सही करो। ये भावना है, देखो सिद्धियां क्या होती है, देखो कैसे सिद्धियां होती है। मानो तो मैं डॉक्टरों से कहा करता हूं, डॉक्टर लोग बस एक ही नियम ले लो, अक्षय से नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो पहले ही से है, नहीं होता तो हमारे सामने बैठा भी नहीं होता। यदि दवाई है तो मरीज को बिना दवाई के मरने मत देना, पैसा हो या पैसा नहीं है उसके पास, बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें मालूम है इसकी दवाई है, तो पैसे के कारण से उस गरीब दुखी आदमी को मरने मत देना, दवाई दे देना। जबलपुर में मीटिंग की थी हमने डॉक्टर, एक ही बस एक नियम ले लो तुम लोग, मेरे दरवाजे कोई आएगा और दवाई है तो चाहे पैसा हो या ना हो मैं उसके मरने जा, बस इतना सा नियम ले लो। महाराज
वो भावना की भावना, भावना फल दायिनी, लेकिन हाँ वो सब बात की बातें हैं। तुम्हारे में दम हो तो इसी पंचणा के साथ पंचणा हो सकता है। दम चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है। खरे मत मन कह दिया इसी पंचणा के साथ तुम्हारा पंचणा हो जाएगा। मूर्तियों की चिंता मत करो, मूर्तियां तो बन के आ जाएंगी, तुम तो बस ये देते जाना। अपनों को रोटी खिलाओ, गिन के मत खिलाना। गिन करके रोटी होटल में खाई जाती है और खिलाने वाला भी गिन के खिलाता है। ये तो अपना घर है, अपना मंदिर है, यहाँ दान गिन करके नहीं देना। यहाँ तो जितना अधिक से अधिक देने का भाव हो देना, कमेटी कहे उससे ज्यादा देना। कमेटी कहे कि 50 लाख है तो कहना 55 लाख दूंगा। एक बार ऐसा हो गया था, एक मंदिर में कमेटी ने मूर्ति विराजमान करने का 11 लाख रुपया रखा। सामने वाले की तरफ देख रहे थे, बोले भैया मेरी तरफ मत देखो। सबकी दृष्टि थी कि भाई ये व्यक्ति विराजमान करे, होती है तो पंच गए होंगे। बोले भाई मेरे पास, मेरी तरफ मत देखो, मूर्ति विराजमान मुझसे करवाना है तो मैं 11 लाख में नहीं करूंगा, 1 करोड़ में करवाना हो तो मेरा नाम लो। गजब, मैं दंग रह गया। 11 लाख रुपया कमेटी करी, बोले मेरे से मेरी उम्मीद मत करो, आप किसी दूसरे को देख लो। स्पष्ट कहा उसने, मेरे से उम्मीद मत करना आप किसी को। 1 करोड़ में वही मूर्ति विराजमान करवाना हो तो आप कमेटी कर लो, महाराज जी पूछ लो, मैं तो 1 करोड़ से कम में विराजमान नहीं करूंगा। मूर्ति की कीमत 11 लाख रुपया रख रहे, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। मेरे रहते हुए मूर्ति के विराजमान की कीमत 11 लाख, मैं विराजमान में ही नहीं रहूंगा, मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। मूर्ति का ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा, मूर्ति की कीमत 11 लाख रुपया विराजमान की, मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं। आप जिससे विराजमान कराना करा लेना, बाद में दर्शन कर लूंगा। यदि कराना हो मेरे से तो 1 करोड़ रुपया कैश नगद दूंगा और 1 करोड़ में कराइए। मैं समझ गया ये मूर्ति साधारण नहीं है, ये मूर्ति साधारण नहीं है। आज वो मंदिर सारे जगत का अतिशय क्षेत्र बन गया है। जिसका विराजमान करने में ग्राहक दुकानदार 11 रुपया मांग रहा है और ग्राहक देता है कि नहीं ये स्टैंडर्ड डाउन होगा, इतने में लेना है क्या? जैसे अभी मैंने कहा था 500 रुपये की आपके पास गोली हो तो मैं दवाई लूं, और गोली तो 5 की है ही, 5 रुपये। ये सब्जी वाले होते ना, ये कहते महाराज बड़े आदमी को यही सब्जी जाती है, पर उनको छांट रहे साहब ये तो 500 रुपया किलो टमाटर है, ये 250 का है और ये 50 रुपया है, तो बड़ा आदमी किसको लेगा? और हम वही सब छांट के रख दिए ऊपर अकेले बस। यही स्थिति भगवान की, भगवान कह रहा है कि मैं 1 करोड़ में विराजमान करूंगा। ऐसे भक्त भी अभी हैं दुनिया में और ऐसी मूर्तियां भी बैठती हैं दुनिया में। और तुम्हारी और पोल पट्टी खोल दूं, 11 की है ठीक है, 5 में करना हो तो हमारी कर देना। अंत में वो 1 लाख तो कम करा ही लेगा, दी सही बुंदेलखंडी होगा और लड़थुड़िया होगा तो, और उसमें भी नई बस्ती का होगा तो पूरे तो नहीं देगा वो। वो अंत में यही कहेगा अच्छा ठीक है अब 11 करे, 10 में पक्की कर लो, तो अब 10 तो कर ही दो, क्योंकि हमारी मूछ का सवाल है, कम नहीं कराया तो फिर नई बस्ती का व्यक्ति कैसे है? 1 लाख तो कम करा ही लेगा वो, व्यापार में होता है, दुकान में कुछ तो कम आपको नहीं। बंधु ऐसा भाव लाओ
कि जो तुमने बोला है मैं उससे ज़्यादा में लूँगा। तो 24 ही का निर्णय कर लो कितने में करना है, राशि मासि में नहीं। अब राशि आप बुलवा लो, और जो थर्ड नंबर के हैं उनके दो कैटेगरी बनाता हूँ। इस मंदिर के निर्माता सदस्य, उनका नाम रहेगा निर्माता सदस्य, और दूसरा रहेगा सदस्य निर्माण कार्य में सहयोगी, सहयोगी सदस्य, निर्माता सदस्य और सहयोगी सदस्य। अब इसमें सब गरीब आ जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी तो हो गई कल पूरी, शिखर रह गई अकेले। सेकंड कैटेगरी अभी पूरी हो ही जाती है। सेकंड कैटेगरी कौन है? 24 ही। और थर्ड कैटेगरी कौन है? निर्माता सदस्य और सहयोगी सदस्य। ये दो सदस्य, इन तीन लोगों में सब लोगों को समाहित हो जाना चाहिए। यानी नई बस्ती का जितने इस मंदिर से रिलेटेड हैं, एक भी घर नहीं बचना चाहिए जो इस मंदिर में उसका सहयोग न रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बरजात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत गुजरात, स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में, धर्म पत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।